हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय कपास निगम में वैकेंसीज के बारे में, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए आ रही है। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, कब से फॉर्म फिल ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, ये वैकेंसी आ रही है द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की तरफ से। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला है, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेरियस पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये आप देख पा रहे हो, डेट पहले देख लेते हैं। तो ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2/1/2020 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की 27 जनवरी 2020। तो अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म को। आगे बात करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये फ़ोन नंबर दे रखा है, मेल आईडी दे रखी है, इस पर आप बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी बता सकते हैं। आगे बात करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिटेल ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है द कॉरपोरेशन हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन नवी मुंबई एंड ब्रांच ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट, डिटेल ऑफ विच आर अंडर एरो। तो यहाँ पर दोस्तों जो हेड ऑफिस है नवी मुंबई में और उसकी सारी ब्रांच इतनी ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं। तो जानेंगे डिटेल में। अगर हम केवल एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों सबसे पहले जो वैकेंसी आ रही है वो वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16 नंबर की जो वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, 10 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। एज आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड MBA ABM आपके पास है तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो कोई भी स्टूडेंट जिसके पास मैनेजमेंट डिग्री है एग्रीकल्चर से, वो इजीली यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। आगे बात करेंगे तो जो BSc की डिग्री है वो यहाँ पर दोस्तों दिख रही होगी आपको। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है BSc है, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। 20 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। तो आपके पास केवल BSc डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और या फिर अगर आप SC ST PS से बिलोंग करते हैं तो आपके केवल 45% मार्क्स ही होने चाहिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, केवल उनके लिए जो एम्प्लॉई है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इजीली आप अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट जनरल की 14 वैकेंसी निकली हैं और यहाँ पे 27 साल एज मांगी गई है। BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मतलब 50% के साथ BSc डिग्री होनी चाहिए। SC ST के लिए 45% यहाँ पर मांगा गया है, बाकी दोस्तों सेम आपका, यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे अच्छी वैकेंसी और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 10% यहाँ पर EWS को दिया गया है जो कि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो आपको जानना बहुत जरूरी है, ये दोस्तों आपका सैलरी है। अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की तो यहां पर आपको 30,000 से लेके 1,20,000 यहां पर IDA के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सैलरी मिलेगी। अगर हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट जनरल की तो यहाँ पर 22,000 से 9,000 मिलेगा, और यहाँ पर आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव 22,000 से 90,000 मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आगे, तो प्रोबेशन पीरियड की बात करेंगे तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और यहाँ पर सर्विस बॉन्ड भी है। तो देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ सर्विस बॉन्ड एज अंडर सर्व अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर इन कॉरपोरेशन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस और इन लिव देयर ऑफ 3 मंथ बेसिक पे। तो ये आपको यहाँ पर देख के चलना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए आप इंडिया के कैंडिडेट होने चाहिए, आपकी जो एज है मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, ठीक है, और उससे ज़्यादा यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। आगे बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन की, तो रिलैक्सेशन अगर आप SC ST से हैं 5 साल का है, OBC से हैं नॉन क्रीमी 3 साल का है,
पीडब्ल्यूडी अगर है तो 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन 3 साल का है, और यहाँ पर कोई जम्मू कश्मीर का यहाँ पर डोमिसाइल है तो 5 साल का यहाँ पर वो मिल रहा है आपको रिजर्वेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन में। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1,000 रुपये फ़ीस है, SC ST एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए केवल 250 रुपये यहाँ पर फ़ीस ली गई है आपकी एप्लीकेशन चार्जेस, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, अप्लाई कैसे करना है। लिंक दे रखा है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर देने की। और आगे बात कर लेते हैं, ये दोस्तों आपके सेंटर रहेंगे तो आप इसमें से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो मुंबई में कर सकते हैं, साउथ में हैदराबाद से अगर सेंटर में रहते हैं तो न्यू दिल्ली आप अपना चूज़ कर सकते हैं, चेन्नई कर सकते हैं, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, अगर आप बिहार से हैं तो पटना। तो यहाँ पर ऑल इंडिया में यहाँ पर सेंटर दिए गए, आप जहाँ से भी हैं अपने पास वाला सेंटर चूज़ कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो पेपर देने में। आगे बात कर सकते हैं दोस्तों जो कि है आपके लिए, ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, ये आपका रहेगा सिलेबस जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसको आप पॉज कर लीजिए, बाकी इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले लीजिए, तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। जैसे अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपका 5 पार्ट होंगे, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर आप देख पा रहे हो, 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके जनरल इंग्लिश आर्टिकल प्रपोज इंग्लिश से आएंगे 15 क्वेश्चन, और यहाँ पे रीजनिंग सिलॉजी मतलब रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, उसके बाद एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट नॉलेज आपकी रहेगी 60 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस रहेगा, तो ईजिली आप पढ़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की, तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, ये दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट का है। उसके बाद बात करेंगे ये एग्जीक्यूटिव जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, उसमें आप देख लीजिए इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, FT आएगा, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपके टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 120, 6 पार्ट में आएगा, 0.45 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सब्जेक्ट नॉलेज में आपका क्या आएगा यहाँ पे, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड प्रैक्टिस से और फार्म पावर मशीनरी से यहाँ पर 60 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप्स, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कॉटन प्रोक्योरमेंट, कॉटन एरिया प्रोडक्शन, इससे आपके क्वेश्चन आएंगे। जूनियर असिस्टेंट जनरल की बात करेंगे जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों आपके 120 क्वेश्चन आएंगे 5 पार्ट में, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है वो यहाँ दे रखा है, मतलब सेम सिलेबस है लगभग आपका, चाहे वो कमर्शियल एग्जीक्यूटिव का हो या फिर आपका यहाँ पर ये आपका जूनियर असिस्टेंट जनरल का हो, ठीक है। तो ये थी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इंपॉर्टेंट वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और कम से कम इस वीडियो को एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में जरूर शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।